हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ 1 मिलियन जीके क्वेश्चन की सीरीज़ में। यूट्यूब पर पहली बार हम लोग लेकर आए हैं 1 मिलियंस क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये क्वेश्चन है और अगर इसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, लर्न कर लिया, तो एग्ज़ाम में ट्रेडिशनल क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग उसे डेफिनेटली सॉल्व करके ही आने वाले हैं। तो इसका पार्ट वन मैंने अपलोड किया था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों का मुझे। तो होप आप पार्ट टू भी ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और ऐसे ही इसको भी अप्रिशिएट करेंगे मेरे चैनल को। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 मिलियन जीके क्वेश्चन का सीरीज़ का पार्ट टू। चलिए देखते हैं पार्ट टू में हम लोग कैसे ये क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से करेंगे क्वेश्चंस। बट जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे आप लोगों से काम के वीडियो आ रही हैं, जो कि MBBSC मेंस, UPBSC मेंस, CTET से रिलेटेड, नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम से रिलेटेड, KVS के एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे लाई जा रही हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से हमारी वीडियोस को देखिएगा। 1 मिलियन जीके क्वेश्चन के सीरीज़ में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही ईजी, और साथ के साथ आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं करंट अफेयर्स से भी अपडेट कराती जा रही हूँ कि जो डेज साथ के साथ हमारे होते जा रहे हैं, जैसे कि करगिल दिवस मनाया गया तो उसके बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ के साथ मैं कराती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं क्या नया हम लोग सीखेंगे GK 1 मिलियन क्वेश्चन की पार्ट टू में। वीडियो में हम लोगों ने भारत के बारे में सामान्य जानकारी देखी थी, तो आज के सेशन में पार्ट टू में हम लोग देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। करीब 80 to 90 क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, वो भी इसी के साथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो वो 9 है। 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश कौन से हैं, तो आपको पता होगा कि नीचे की साइड में मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ पर है आपका बांग्लादेश और एक मालदीप। मालदीप बिल्कुल नीचे पड़ता है, वो नीचे हिंद महासागर के पास नीचे पड़ेगा, तो वो है मालदीप और श्रीलंका। आगे बात करते हैं हम लोग, जल और स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है, जो जल से भी छूता है और स्थल से भी छूता है, वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के देश बताइए, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऐसे 5 देश हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो ये करता है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये 2 चीज़ें भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं आपको आगे किसी वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से लर्न करते हैं चीज़ों को। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ, बट वो अब पाकिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान का बहुत ही छोटा सा हिस्सा इंडिया से जम्मू कश्मीर में टच होता है इंडिया के। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा आप ऐसे याद कर सकते हैं, त्रि माने 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, और समुद्र का पड़ोसी पूछा गया है तो वो लिखेंगे श्रीलंका, और दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा और तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये चैनल है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है, तो पूर्व हमारा आसाम की तरफ पड़ता है, पूर्वोत्तर भारत की तरफ, तो वहाँ है बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है वो है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान और चीन, और भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है पाकिस्तान।
भारत की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है, सॉरी अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत ही छोटी सी सीमा इससे लगती है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, और इसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण हुआ था 1896 में 1896 में। पहले ये रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी, पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 17। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौते के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। आगे हम आज बात करते हैं ब्रह्मांड की संपूर्ण परिचय, जो ब्रह्मांड से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और कभी कभार कंफ्यूजन के कारण हम लोग ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कहलाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ज़्यादातर ऑप्शंस में दिया जाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान नहीं दिया जाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना कहलाती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग होता है इसका मतलब। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा होता है स्पाइनल ओरेगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10^8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का, क्योंकि सूर्य से अगर पृथ्वी की दूरी नापी जाती है तो वो प्रकाश वर्ष में ही नापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर, और अगर मीटर में कहा जाए तो 9.46 × 10^15 किलोमीटर में 10^12 होता है और मीटर में 10^15। ऑप्शन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। एक प्रकाश वर्ष ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कहा था कॉपरनिकस के, जो कि पोलैंड के निवासी थे। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये कहा था कैपलर ने। तारे का रंग सूचक होता है उसके तापमान का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्ण के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस। सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसका व्यास होता है 10^5 प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति जो है वो है सर्पिलाकार। आकाशगंगा जो गैलेक्सी कहलाते हैं, इसकी निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। एक खगोलीय एकक मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है एक मंदाकिनी। मंदाकिनी होती है अरबों तारों का समूह। नवीनतम जो ज्ञात मंदाकिनी है वो है ड्वार्फ मंदाकिनी।
पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है, जो अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अब वो दोबारा दिखाई देगा 2062 में, 2062 में हेली नाम का धूमकेतु। चलिए, हो गए ब्रह्मांड का परिचय, हो गए भारत के पड़ोसी देश, अब हम जानते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में जिस पे हम लोग रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो चलिए 1 मिलियन क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए इसको कवर करते हैं। पृथ्वी का विषुवती व्यास है, विषुवती व्यास होता है, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो विषुवती व्यास ये वाला व्यास, इसका व्यास है 12,756 किलोमीटर। इसकी लंबाई मतलब पूरा गोला अगर हम करेंगे व्यास उसे बोलते हैं, और अगर हम आधा करेंगे तो उसे त्रिज्या बोलते हैं। और ये है ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। तो ये हमारा विषुवती व्यास, ये हमारा ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवती व्यास से 42 किलोमीटर कम है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 42 किलोमीटर आंसर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर जल का भाग है 71% और 29% हमारी पृथ्वी है, मतलब कि यहाँ पर महाद्वीप कहे जाएंगे। महाद्वीप 29% है और महासागर 21%। पृथ्वी पर औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है घूर्णन कहलाता है। दिन और रात होता है पृथ्वी के घूमने के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी के भूपर्टी यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, जो कि 46.80% उपलब्ध है। पृथ्वी गोल है ये कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का जो द्रवीभूत शैल है वो मैग्मा कहलाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, जो अपसौर कहलाती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम जो दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को, जो उपसौर कहलाती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो एप्साइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बनी होती है वो सियाल सीमा और क्रोड से बनी है। सियाल सीमा और क्रोड जिसे नीफे भी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत है उसे क्रोड या नीफे कहते हैं। क्रोड बना होता है लोहा और निकल से। नीफे मतलब कि नी माने निकल और फे माने फेरस, फेरस माने लोहा। सियाल बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। अगर सियाल के टुकड़े करोगे तो सी से सिलिकॉन, एल और याल से एल्युमिना। सीमा बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा बॉल्व होता है ज्वालामुखी। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फियर। पृथ्वी पे सबसे लंबा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है सबसे लंबा दिन। और 21 जून को ही योग डे मनाया जाता है, जो सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और वहीं 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है, हमें पूर्ण रूप से चंद्रमा कभी नहीं दिखता। पृथ्वी की आयु जो ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण के विधि के द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है
30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश से। मान लीजिए ये हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा हो गया बीच का विषुवतीय रेखा जो होती है, ये उत्तरी अक्षांश ऊपर वाला और नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ हो गया 30 डिग्री मान लीजिए उत्तरी अक्षांश, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो ये पोर्शन है ये कहलाता है हमारा अश्व अक्षांश, ये पूरा हिस्सा अश्व अक्षांश कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हैं 180 और 360, मतलब कि अक्षांश रेखाएँ जो ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं, ये वाली ये जो सीधी सीधी ऐसे जाएंगी, और ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं ये वाली। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं ये वाली, ये हमारी 180 हैं, और जो लंबी लंबी सीधी सीधी हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, इसे ये हैं 360 काउंटिंग में। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। तो आज ख़त्म होता है ये हमारा पूरा पृथ्वी के बारे में फैक्ट्स, ब्रह्मांड के बारे में फैक्ट्स, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में फैक्ट्स। काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हमने कवर किए, ऑलमोस्ट 90-100 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसमें हम लोगों ने देखे हैं। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो। बस एक लाइन में कमेंट करना होता है, हमें मोटिवेशन मिल जाता है इसी चीज़ का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सक्सेस मन, कीप वॉचिंग।